अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए गजरेला। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 किलो दूध या 2 लीटर और 1.5 कप जो मैंने इसके अंदर डाल दी है कैरेट गाजर। और यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी सोख किए हुए मैंने पहले से 4 टेबलस्पून राइस, इसको हाथ से मैंने थोड़ा सा मसल लिया था। और इसको डालने के बाद मैंने नीचे से फ्लेम ऑन कर दी थी। मिक्स करने के लिए इसको टाइम तो लगता है गजरेले को बनते, लेकिन मैं इसके से छोटे छोटे जो क्लिप हैं वो काट के मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि प्रॉपरली तो दिखाने से वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए। इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आवाज़ ठीक नहीं थी, इसलिए। और यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 टेबलस्पून बटर। इसको बटर डालने से गजरेले में एक थिकनेस सी आती है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। और वैसे भी गजरेला जो है वो आपका नीचे नहीं लगता देचकी में। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर, क्योंकि आप देख सकते हैं गजरेला पक के काफ़ी ठीक हो चुका है। और मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप शुगर। जब ये ऐसे मतलब इसके ऊपर इसे बॉयल आने लग जाए तो वो समझ जाएँ कि आपका गजरेला जो है वो रेडी होना शुरू हो गया। आप इसको 15 से 20 मिनट थोड़ा सा और पकाएं, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ठीक हो जाए, तो उसके बाद आप इसको चूल्हे से उतार लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार के और डिश आउट करके तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जिसकी फाइनल लुक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।